मंत्री चरणजीत चन्नी ने अपनी सरकार खिलाफ ही बगावत दा चुकिया चंदा कच्चे मुलाजमान नाल धोखा करन दे चन्नी ने सरकार दे इल्जाम लगाए ने। उन्होंने कहा कि सरकार ने जे रहना है तो कच्चे मुलाजमान नु पक्का करना पवेगा। सरकार दर्जा चार मुलाजमान दियां असामियां खत्म करन जा रही है, ये तमाम सवाल चुके गए चन्नी वल। वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं, मंत्री चरणजीत चन्नी ने अपनी सरकार खिलाफ ही बगावत दा चुकिया चंदा कच्चे मुलाजमान नाल धोखा करन दे चन्नी ने सरकार दे इल्जाम लगाए ने। जिस तरीके दे नाल कच्चे मुलाजमान नू पक्का करन दी गल कही गई सी मुख्यमंत्री वल्लों, तो किते ना किते ए सवाल चुके गए ने चरणजीत चन्नी वल्लों अपनी ही सरकार खिलाफ। कच्चे मुलाजमान नाल धोखा करन दे चन्नी ने सरकार दे इल्जाम लाए, कहा कि सरकार ने जी रहना है तो कच्चे मुलाजमान को पक्का करना पड़ेगा। अपना मंग पत्र लेके आयो, मेरे तो आस रखी है तुसी, मैं थोड़ा धन्यवादी है और मैं थोनू ये विश्वास देना चाहता है कि मैं थोड़िया सारिया मंगा दे नाल सहमत है ते पूरे जोरदार तरीके दे नाल सरकार दे विच थोड़ी हमायत दे विच थोड़िया मंगा नू रखांगा। वैसे भी मैं पहला भी यह बयान दे चुका कि सरकार दर्जा चार कर्मचारियों दियां पोस्टां खत्म करना चाहती है, जा रही है खत्म करने वास्ते। मैं इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। कैबिनेट के विच मैं बहुत जोरदार तरीके दे नाल थोड़ा यह मसला रखे है कि दर्जा चार कर्मचारी है जिहड़े वह भी रेगुलर भर्ती होने चाहिए, चाहे वह सफाई सेवक है, चाहे वह ड्राइवर है, चाहे टेक्नीशियन है, चाहे पीएन है, गरीब किसान है, चाहे वह गरीब दलित है, चाहे गरीब दुकानदार है। फिर गरीबां दे मुंडिया नू ही क्यों जेड़ा पक्का नहीं भर्ती करना, उन्होंने ठेके पर क्यों करना, यह मेरा तर्क कैबिनेट दे विच है, सरकार दे नाल है। मैं एक क्रांतिकारी सोच का बंदा है, गरीब परिवार च पैदा होया ते गरीबां दी गल करनी है। इस करके मेरा फर्ज बनता जी तुसी डिमांड लेके आए हो कि रेगुलर भर्ती होने चाहिए, मैं इहदे नाल पूरा समर्थन रखदा सरकार दे विच। और जोरदार तरीके दे नाल लड़ रहा ते लड़ांगा इहदे वास्ते, चाहे मेरा कोई भी नुकसान हुंदा है मैं तुहाडे नाल खड़ा है ते तुहाडे पक्के होना वास्ते हर तरह की लड़ाई लड़ांगा। तुहाडा पक्के होना तय है, सरकार ने रहना तां तुहानूं पक्के करना पैणा है और मैं तुहाडे नाल। मंत्री चरणजीत चन्नी ने अपनी सरकार खिलाफ ही बगावत दा चुकिया चंदा कच्चे मुलाजमान नाल धोखा करन दे चन्नी ने सरकार ते इल्जाम लाए ने। इसी दे ज्यादा अपडेट दिल्ली साडे नाल जगजीत जग्गी जुड़ गए ने। जगजीत तौर तो जानना चाहांगे, चरणजीत चन्नी ने अपनी ही सरकार खिलाफ जो है चंदा चुकिया है, इल्जाम लगाए गए ने कि कच्चे मुलाजमान नू पक्का नहीं कीता गया, उन्हां नाल धोखा कीता गया है, की कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने खुले लफ्ज़ां दे विच इह जिहड़ी गल कही है भी जिहड़े कच्चे मुलाजम ने उन्हां नूं पक्के करना ही पवेगा जेकर सरकार ने रहना। पर एक गल बड़ी समझण योग है भी पंजाब दे विच इस समय जो हालात बने हुए ने, कच्चे मुलाजम जिन्ने भी ने वख-वख विभागां दे विच ने, तुसीं सफाई सेवकां दे देख सकदे हो भी की हालात उन्हां कच्चे मुलाजमां दे करके जिहड़े शहरां दे विच बने हुए ने, गंदगी दे ढेर लगे हुए ने, जां जिहड़े पन बस जिहड़े मुलाजम ने पंजाब रोडवेज दे कच्चे मुलाजम ने, वख-वख विभाग दे मुलाजम इस समय जिहड़े जिन्ने भी कच्चे है वह अपने पक्के करन दी मंग नूं लैके अड़े हुए ने ते वख-वख तरीक्यां दे नाल सरकार दे उत्ते दबाव बना रहे हैं भी उन्होंने पक्का किया जाए। अजिहे दे विच जितने भी कांग्रेस के लीडर है उन्होंने भी यह मजबूरी बन गई है भी वो इन्हां मुलाजमान दीआं मंगां नूं इगनोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिहड़े मुलाजम ने लगातार उन्हां दीआं कोठियां दे विच जाके उन्हां दे घरां दे बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं ते बार बार उन्हां दे उत्ते दबाव बना रहे हैं भी उह सरकार तक जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी गल है। बिल्कुल जगजीत, तुहानूं तो जानना चाहांगे, रोपड़ जिस तरह के हालात बने हुए ने, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोरोना काल चल रहा है जबकि कहा जाता है कि सैनिटाइजेशन करना जरूरी है, साफ सफाई रखना जरूरी है, इन्हां हालातां जिस तरीके के गंदगी के ढेर बने हुए हैं, सरकार वल्लों कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, कच्चे मुलाजमान नूं पक्का क्यों नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, मैं इसे गल के उत्ते थोड़े आ रहा सीगा भी बीते दिन ही रोपड़ दे विच नगर कौंसल की भी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के दौरान भी जिहड़ी कांग्रेस की बहुमत वाली जिहड़ी नगर कौंसल है उन्हें मता भी पाया
भी इन्हां मुलाजमान नूं जिहड़ा पक्का किया जाए क्योंकि इन्हां मुलाजमान दीआं मंगां जायज़ ने। जेकर कांग्रेस के लीडर थलड़े लैवल तो लैके मंत्री तक जिहड़े लीडर ने यह गल मन रहे ने भी इन्हां मुलाजमान दीआं मंगां जायज़ ने इन्हां नूं पक्के किया जाणा तो कितना कितने हजे तक जिहड़ी मुख्यमंत्री वल्लों इन्हां दे नाल मीटिंग भी नहीं की गई और ना ही इस मुद्दे के उत्ते कुछ हजे तक सरकार वल्लों बोलिया जा रहा, जबकि इन्हां सारिया चीजा करके जी आम पब्लिक है उन्होंने वड्डियां परेशानियां झेलनिया पै रही ने। सरकार हजे तक उन्होंने परेशानियों नू होर वधदा देखना चाहती है, जो हालात जोड़े बने हुए हैं उन्होंने हल कर की बजाय ना ही कोई अजिहा सरकार वालों बदलवा प्रबंध किया जा रहा भी लोग जोड़े ने परेशान ना हो, लोगों की परेशानी आम जनता की परेशानी दूर किया जाए, पर अजिहे कदम सरकार वालों जोड़े नहीं चुके जा रहे हैं, ना ही इन्होंने मुलाजमान दंगा मनिया जा रही ने, ना ही इन्हों का कोई हल किया जा रहा, ना ही कोई बदलवे प्रबंध किए जा रहे हैं। अजिहे सब के जी आके गाज आखिर जी आम लोगों के उत्ते गिरती है और आम जोड़े लोग ने वो इस समस्यावान कारण वड्डिया परेशानियां झेल रहे हैं। जी बिल्कुल जगजीत, काफी लंबी लड़ाई चल रही है कच्चे मुलाजमान पक्का करने की, सो देखना है कद तक इन्होंने कच्चे मुलाजमान पक्का किया जाता सरकार वालों। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।